नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा घर में चार चीज़ें बेहद अशुभ मानी जाती है। घर में, परिवार में या व्यापारिक स्थल पर होने वाली छोटी छोटी गलतियों को हम आम तौर पर इग्नोर कर देते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे कारोबार पर, व्यक्तिगत जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज चार छोटी छोटी होने वाली गलतियों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए और बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, टूटा हुआ कांच। यदि आपके घर में टूटा हुआ शीशा है, छोटा है, बड़ा है, अलमारी में है, किसी भी प्रकार से है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। बहुत बुरा, बहुत गंदा साइड इफेक्ट आपके माइंड पर उसका पड़ता है। नंबर दो, मकड़ी का जाला। साथियों, मकड़ी का जाला आमतौर पर घरों में पाया जाता है, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। लंबे समय तक मकड़ी का जाला घर में होने से धन हानि होती है, भारी दरिद्रता की स्थिति बनती है। नंबर तीन, कबूतर कबूतरी का घोंसला। साथियों, कबूतर का घोंसला जहाँ तक आपका खेत है, उद्यान है, आपके बाग बगीचे हैं, वहाँ पर तो ठीक है, खूब कबूतर पालिए, उनकी सेवा यथायोग्य कीजिए, लेकिन जहाँ पर आपका व्यक्तिगत रूप से रहने सहने की जगह है या जहाँ पर आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर कबूतर का घोंसला भी बढ़िया नहीं माना जाता। ततैये का छत्ता भी आपके घर में होना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। किसी भी प्रकार का जीव हो, उसको कष्ट पहुंचाना हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं बताया गया, लेकिन उसके लिए उनकी सेवा आपको करनी है। कबूतर की, ततैये की, या जिसकी भी सेवा आपको करनी है, उसके लिए आपका घेर है, कोई दूसरा आपका बाग बगीचा है, अलग कहीं बोने खाने की आपकी ज़मीन है, या आपका कोई फार्म हाउस है, वहाँ पर इनकी सेवाएँ कीजिए। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर यह आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से, वास्तु के दृष्टिकोण से नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं कामना करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए, आपको मार्गदर्शन दिखाने वाली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।